अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से बैंगन बनाने लगी हूँ। ये मैंने दो अदद बैंगन ले लिए हैं और इसको आपने इसे टप लगा लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। उसके लिए चाहिए हमें नमक, दो चुटकी कलौंजी की, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और तकरीबन दो चम्मच बेसन, थोड़ा सा पुदीना और ज़ीरा। ये हमने सारे जो हैं अपने अज्जा ले लिए। अब हमने बैंगनों को एक साइड पर रखना। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे दो चम्मच तकरीबन बेसन के, इसमें जाएगा हमारा तकरीबन आधी चम्मच मैंने तकरीबन नमक की डाली है, एक चम्मच इसमें जाएगी मिर्चों की, एक चुटकी इसमें भर के जाएगी कलौंजी की, थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी और ये थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पिसा हुआ। ये देखिए मुझे मैंने इसको कम मसाला सारा तैयार कर लिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और जो मैंने बैंगन लिए थे इनमें जो मैंने कट लगाए थे ये सारा मसाला मैं बैंगन में अच्छी तरह से भरूँगी। ये देखिए इनके कट्स में अच्छी तरह से ये मसाला मैंने भर दिया और मैंने उसको ऊपर भी अच्छी तरह से लगा दिया ताकि जो हमारे बैंगन है वो बहुत मिल सके और क्रिस्पी से फ्राई हो। हमारा जो बैंगन है वो तैयार है, उसको हमने मसाला लगा दिया। अब हम चूल्हे को ऑन करेंगे, कढ़ाई ऊपर रखेंगे और उसमें जो है घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम जो घी को है वो हीट अप करेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। उसके बाद हम ये जो बैंगन लिया है हमने, हम इस बैंगन तैयार बैंगन को हम उसमें डालेंगे घी में और फ्राई करेंगे। ये देखिए जो हमारे मज़ेदार से जो बैंगन थे वो तैयार हैं। अब हम अपने इसको जो है वो नीम गरम घी में डालेंगे। आपने जो घी को है वो ज़्यादा गर्म नहीं करना। ये देखिए जी अब इनको जो है वो सेक लगना शुरू हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी जो है वो साइड चेंज करेंगे। ये देखें इसकी भी हम थोड़ी सी साइड चेंज करेंगे। अब इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। ये देखिए ये अभी माशाल्लाह से थोड़ी मश हो गया ज़बरदस्त सा। ये देखिए कि आँच जो है मैंने इसको हल्का कर दिया। ये आँच ये हमारे बहुत ही मज़े के बैंगन जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। अब इसकी साइड हमने बदल दी है और ये जो है इसकी साइड हम बदलेंगे। ये देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त कलर इसको आया है, बिल्कुल जला नहीं है। ये अभी एक तरफ से हो रहा है, इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, आँच ऊँची नहीं करेंगे। ये देखें कि मैंने साइड जो है वो चेंज किया, इसको कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया। आपने अपने हाथ का बहुत ध्यान रखना है। ये हमारे मज़ेदार से जो वो बैंगन फ्राई है वो बिल्कुल रेडी होने वाले हैं। ये भी देखें इसका कितना प्यारा कलर आया। ये देखें अब हम इसको जो है वो तकरीबन ये पकने पे तैयार है। अब हम इसको निकालने की तैयारी करेंगे। एक प्लेट लेंगे, इसमें हम टिश्यू पेपर लगाएंगे ताकि इसका जो जायद घी है वो टिश्यू पेपर में रह जाए और ज़्यादा जो है ये देखेंगे ज़बरदस्त ये गल रहा है आस्ता आस्ता। ये भी तकरीबन रेडी है एक तरफ से और इसको देखें मैं साइड बदला दी। ये देखेंगे मैंने प्लेट भी तैयार कर लिया। अब ये जो मज़ेदार सा हमारा ये जो तैयार है
इसको हम निकालेंगे प्लेट में। ये देखिए इतना मज़ेदार सा क्रिस्पी बैंगन हमारा तैयार है। आप इसको चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ या जिसके साथ भी आप करनी चाहे, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए ये तैयार है हमारा मज़ेदार सा फ्राई क्रिस्पी बैंगन।